क्लोनिंग uh, वेक्टर की ये थर्ड वीडियो है सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन ओ आर आई साइट क्या है जो दो साइट्स हमने पढ़ ली है ओ आर आई साइट हमने एक देखी है और क्लोनिंग साइट हमने देखी तो पहले हम ओ आर आई साइट का देख लेते हैं हमारी एन सी आर टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसमें कहते हैं कि ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन को ओ आर आई कहा जाता है दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डी एन ए वि लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल्स दिस सिक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द number. नंबर मैंने आपको बताया था जितनी भी कॉपीज बनेगी मतलब वो ओ आर आई का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ प्लाजमेड हंड्रेड टू हंड्रेड मोस्ट कॉपी फॉर्म्ड मोर एफिशियंट ओ आर आई साइट्स तो हम कह रहे थे कि आप द लिंक्ड डी एन ए सो द इफ वन वॉन्ट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डी एन ए इट शुड बी

प्रेफरेबल सिंगल रिकोगशन साइट्स तो हम लोगों ने क्लोनिंग साइट्स में लिखा था कि मतलब किसी भी प्लाज्मिड को एक क्लोनिंग साइट्स या रिकोगेशन साइट्स चाहिए होती है तो अगर हम लोग फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अदरवाइज प्रोसेस विल बी कम्प्लिकेटेड वेयर द डी एन एनसर्टेड इन द मल्टीपल साइट्स जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक रिकोगशन साइट चाहिए होती है क्लोनिंग साइट सिंगल क्लोनिंग साइट्स तो फॉर द ये क्या कह रहा है फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम्स एक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकोगशन साइट यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा अगर एक से ज़्यादा रिकोग्निशन साइड्स होंगी तो विद इन द वैक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स ठीक है विच विल कम्प्लिकेट द जीन कलोनिंग्स तो वो कम्प्लीकेसी बना देंगे ठीक है ना द लाइगेशन ऑफ एलियन डी एन ए इज कैरिड आउट अटर रिस्ट्रिक्शन साइड्स प्रेजेंट इन वन ऑफ द

सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि देखिए जैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट हमने पहले ही कहा था कि जीन्स विच हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस होस्ट तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर अब इसमें देखो जैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस होगी तो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन्स के केस में क्या होगा कि फॉरेन डीएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मतलब जो जीन्स होंगे वो कैसे होंगे जीन्स जो होंगे उनमें क्या होगा कि सिंपल आपके पास बेटा जो जीन्स होंगे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होंगे और एम्पिसिलिन रिजिस्टेंट होंगे तो जैसे ही उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी इसका मतलब फॉरेन डीएनए उनमें एंटर होगा तो उनकी रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से सलेक्टेबल मार्कर आप समझ रहे हो क्या है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई ट्रांसफॉर्मेशंस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ फॉरन डी जो था वो क्या हुआ फॉरन डी इंसर्ट किया इन्जाइम्स ने तो फॉरन डी ने क्या किया रेजिस्टिविटी को ख़त्म कर दिया तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो थी वो एंटीबायोटिक्स की है ना जीन्स के ऊपर तो वो ख़त्म कर दी फॉरन डी ने तो आप लोगों को पता चल रहा है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेशंस जो थी तो मतलब जीन्स के ऊपर रेजिस्टेंसी मेंटेन थी तो जब फॉरन डी हमने इंसर्ट किया तो उनके ऊपर जो रेजिस्टेंस था जींस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया तो कहने का मतलब ये पार्टिकुलर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए उनके ऊपर जो शो कर पाए कि ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट ठीक है ये बात समझ में आ गई दिस जीन्स एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर तो ये जो जीन्स होते हैं मानो ये टी टी आर और एम पी आर ये जो जीन्स हैं ये एक्ट करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरह अगर फॉरन डी एन ए इन ऊपर हम इंसर्ट करते हैं तो ये अपने आप को क्या कर देंगे ट्रांसफॉर्म्ड कर देंगे तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी लॉस कर देंगे तो अगर नहीं करेंगे तो एज इट इज़ क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डन बाई इंसर्टिंग फ़ॉरन डी एन ए रिजल्ट क्या होगा ओल्ड डी एन ए जो होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे क्या होगा देखो जैसे रिजल्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ डन बाई इंसर्टिंग फॉरन डी एन ए ठीक है या जीन्स भी आप लोग बोल सकते हो फॉरन डी एन या जीन्स भी बोल सकते हो तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा इंसर्शनल इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस बोलेंगे उसमें अगर जो हमारे पास एक्टिवेशंस थी तो उसको इनएक्टिवेट कर दिया फ़ॉरन डी एन जैसे ही हमने आ, क्या किया ट्रांसफॉर्म किया तो हमारा जो पहले वाले जीन्स थे उनको इनएक्टिव कर दिया ठीक है ना तो इनएक्टिव करने से क्या हो गया जो जीन्स हमें हार्म पहुंचा रहे थे उनको फॉरन डीएनए ने इनएक्टिव कर दिया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनल मतलब जो ओल्ड जीन थे उनको इनएक्टिव कर दिया जब हमने फॉरन डीएनए को इंसर्ट किया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल ये समझ में आ गया सबको तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है आपको अच्छे से डेफिनेशन अब याद है जब भी हम किसी पुराने जीन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं किसी फॉरेन जीन से तो उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस बोलेंगे देखो ना यहाँ पर जैसे आपके पास है इनएक्टिवेटिंग द जीन्स कौन से मतलब जो एम पी आर थे ठीक है ना इन जीन्स को इनएक्टिवेट कर दिया मतलब इंसर्टिंग द अदर जीन्स इन अदर जीन क्या फ़ॉरन डन तो उसको हम बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन्स अब क्या होता है कि हमारे पास मान के चलो कि बैक्टीरियल कलनी है ठीक है अब डेफिनेशन हो गई अब हम लोग इसमें देखते हैं देखो जैसे हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास पैटरी डिश आ गई ठीक है इस पैटरी डिश में हमने क्या कर दिया बैक्टीरियल कॉलोनी डाल दी कौन सी बैक्टीरिया डाल दिया हमने हमने इसमें वो बैक्टीरिया डाल दिए जो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हमने डाल दिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया क्या हो गया जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और एम्पिसलिन रेजिस्टेंट ठीक है तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना मतलब इनके ऊपर फॉरन डी ने अभी इफेक्ट नहीं किया है तो मानो कि हमने इस बैक्टीरियल कलोनी को इस डिश में डाल दिया और इसमें बैक्टीरियल कलोनी कौन सी है जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है ठीक है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग बेटा इसमें हम बैम एच वन यूज करते हैं ध्यान रखना सभी इसमें बैम एच वन यूज़ करते हैं तो बैम एच वन जो है उसके यूज करने से है ना बैम एच वन यूज़ करने से किसकी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी मतलब एम्पीसाइक्लिन की या टेट्रा साइक्लिन की तो आप लोग बोल सकते हैं याद रखो कि जहाँ पर हमारा टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस था तो उसके सामने जो फ्रेगमेंट था वो किसका था उसके सामने जो एंजाइम था वो कौन था बैम एच वन देख लो आप लोग देखिए लोग फिर वहां पे जाते हैं बेटा यही बात कर रहे थे ना हम लोग कि जब भी हम बैम एच वन यूज करेंगे तो कौन सी रिजिस्टिव कौन सी रिजिस्टेंस ब्रेक होगी तो देखो अगर हम बैम एच वन यूज कर रहे हैं ये अगर यूज कर रहे हैं है ना तो ये एक्ट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तरह कट करके फॉरन डी एन इंसर्ट करेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के टूटने से क्या हो जाएगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी ना तो ये वाला जो बैक्टीरिया होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन है वो खत्म होगा है ना तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था देखिए जैसे हमारे पास तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब बैम एच वन का हम यूज करेंगे तो टेट्रा की रेजिस्टेंसी खत्म हो जाएगी क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएगी वहां पर एंजाइम कट कर करके फॉरन डी एन कर देंगे तो यहां पर आपने क्या सीखा कि ये जो होगा ये जो है इसकी रेजिस्टेंटी ख़त्म होगी बट एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके एंजाइम पे तो कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं हुआ उसका यूज़ ही नहीं हुआ तो ग्रो दिस कॉलोनी अगर इस कॉलोनी को हम लोग ग्रो करेंगे इस कॉलोनी को अगर हम ग्रो करते हैं आर एम्पिसिन कंटेनिंग मीडियम एम्पीसिल कंटेनिंग मीडियम में हम इसको ग्रो करते हैं ठीक है तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा क्योंकि एम्पिसलिन जो है उसके एंजाइम्स हमने यूज़ ही नहीं किए तो बैक्टीरिया जो होगा सर्वाइव करेगा ठीक है बट कौन सा टेट्रा रेजिस्टेंस नहीं बल्कि एम्पीसिल रेजिस्टेंस सर्वाइव करेगा तो अगर हम लोग ग्रोन करते हैं टेट्रा साइक्लिन्स में अगर हम ग्रोन करते हैं टेट्रा साइक्लिन्स कंटेनिंग मीडियम में तो तब हमारे पास क्या होगा एक बैक्टीरिया डाई करेगा और एक सर्वाइव करेगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। जिसका एंजाइम यूज करेंगे तो वो मर जाएगा जिसका नहीं करेंगे तो सर्वाइव करेगा तो जिसका करेंगे तो वो क्या कहलाएगा जिसका एंजाइम यूज़ करेंगे हम लोग तो वो क्या कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जिस जिसका यूज़ करेंगे मतलब जो डेड हो जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट होगा ना ठीक है और जिसका नहीं करेगा वो ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट होगा देखिए जैसे हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसी में देख लीजिए कि जो मेजॉरिटी होंगे वो मर जाएंगे ठीक है ना बैक्टीरिया विल डाई जो मेजॉरिटी होंगे बैक्टीरिया तो वो मर जाएंगे ठीक है और फ्यूज होंगे वो सर्वाइव करेंगे जो मर गए वो ट्रांसफार्मेंट आ गए और जो नहीं मरे तो वो नॉन ट्रांसफार्मेंट ठीक है बेटा तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अभी थोड़ा सा रहता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है